राजधानी दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात के बाद से बिहार ही नहीं देश में सियासत तेज है। सवाल उठने लगे हैं कि लालू राहुल ने मिलकर इंडिया की तीसरी बैठक से पहले सब कुछ सेट कर लिया है। क्या नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिख रहे थे वो अब इस रेस से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एनडीए गठबंधन के नेता लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। जो अगुवा बनते फिर रहे थे इस गठबंधन के, आज वो तीसरी चौथी पंक्ति पे भी नहीं दिखते हैं। दरअसल राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने शुक्रवार को मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार, सीट शेयरिंग और इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक पर दोनों नेताओं में गहन चर्चा हुई, लेकिन चिराग पासवान के मुताबिक ये नीतीश को साइड लाइन करने की कोशिश है। जैसे सर राहुल के पक्ष में वो न्यायालय का फैसला आया, वो लालू से मिले और ऐसा बताया जाता है कि वो तेजस्वी वहाँ पे उपलब्ध थे और सब कुछ सेट हो गया और नीतीश लेट हो गया। अब भाई अब ये तो महागठबंधन की जनता का विषय है, ये हमारी जनता का तो विषय नहीं है। नीतीश जो अगुवा बनते फिर रहे थे इस गठबंधन के, आज वो तीसरी चौथी पंक्ति पे भी नहीं दिखते हैं। और तो और बेंगलुरु जाते हैं तो वहाँ पे पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब है और जो पोस्टर वहाँ पे लगाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार को शर्मसार वो पोस्टर करते हैं। यहाँ के गिरते हुए पुल, चूहे जो बांध गुजर जाते हैं, वो तस्वीरें वहाँ पर दिखाई जाती हैं मुख्यमंत्री जी के शासन काल में किस तरीके से बिहार बदनाम हो रहा है। और इसीलिए भैया ये तमाम महागठबंधन दल के नेता भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कितना आक्रोश है, और इसीलिए तमाम घटक के दल आपस में मुलाकातें करके, संभवतः जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आपस में अपनी सेटिंग कर लेते हैं। पर मुख्यमंत्री जी जो अगवा बनने का सपना ही देखते रह गए वो तीसरी चौथी पंक्ति में भी नहीं दिखते। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि लालू प्रसाद अपनी विरासत को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे, न कि नीतीश कुमार को। इधर कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी भी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।